भारत जोड़ो यात्रा के 80वें दिन यात्रा बड़वाहा विधानसभा से होते हुए महेश्वर विधानसभा में पहुंच गई। मोरटक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम मनिहार में एक खेत में बने विश्राम कैंप में राहुल गांधी ने दिन का भोजन किया और विश्राम किया। यात्रा दोपहर करीब 3:30 बजे बलवाड़ा से महू के लिए रवाना हो गई, जहां राहुल गांधी बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली पर बने स्मारक के दर्शन करेंगे। इसी बीच मनिहार कैंप में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की, जिसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश, महेश्वर विधायक विजय लक्ष्मी साधो एवं देवाशीष ने बातचीत की। हालांकि बातचीत के पहले कांग्रेस ने मीडिया कर्मियों से केवल भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में ही प्रश्न करने को कहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने यात्रा के साथ संविधान बनाने में अपनी अहम भूमिका एवं बाबा साहेब एवं दलित समाज से अपना अहम संबंध बताने से भी नहीं चुकी। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र एवं राज्य में बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा कि संविधान सभा में कांग्रेस की अहम भूमिका है, जबकि बीजेपी संविधान नहीं आरएसएस की विचारधारा पर चल रही है, जिसने विपक्ष के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। वे आज संविधान दिवस मना रहे हैं। आरएसएस एवं हिंदू महासभा ने कभी भी संविधान को नहीं स्वीकारा, न ही इसकी भूमिका है। जबकि बाबा साहब ने अपने भाषण में खुद कहा था कि बिना कांग्रेस के संविधान का मसौदा पास नहीं हो सकता था। जयराम रमेश ने बाबा साहब की बात करते हुए कहा कि राजनीति में भक्ति जहर के माफिक है, अगर वीर पूजा एवं भक्ति राजनीति के पहिए बन जाए तो लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और तानाशाही में बदल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय जाता है संविधान पास कराने के लिए संविधान सभा में, वो कांग्रेस पार्टी को भी जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं थे, कांग्रेस ने उनको संविधान सभा में जिताकर लाया था, वो कांग्रेस में नहीं थे। पंडित जी की माफी क्या, सरदार पटेल की माफी क्या, राजेंद्र प्रसाद की माफी, पर उन्होंने अपने अंतिम भाषण में, संविधान सभा के अंतिम भाषण में कहा कि अनुशासन के बिना, कांग्रेस पार्टी के अंदर विचार के बिना ये मसौदा कभी संविधान नहीं बन सकता था, और जो संशोधन किए गए हैं उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो अंतिम ड्राफ्ट में मौजूद हो अगर वो कांग्रेस पार्टी ने उसको स्वीकृति नहीं। साफ अम्बेडकर जी ने लिखा है, और मैं अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी का भी भाषण है और उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध, मैं आपको दीवा दूंगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय देना है इस संविधान को पारित करने के लिए संविधान सभा में, वो श्रेय कांग्रेस पार्टी का ही है। तो वहीं महेश्वर की कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि देश में संवैधानिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो रही है, पिछले दरवाजे से सौदा करके जो सरकारें बन रही है, कमलनाथ की सरकार भी इसका शिकार हुई। विधायक साधो ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में ईडी, सीबीआई एवं हम सबको निर्वाचन आयोग से भी बू आती है। जिस तरह से सरकारें बन रही है, बहुत सारे उदाहरण इस देश में है, और हम भी उसी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के लिए चुनी हुई सरकार आदरणीय कमलनाथ जी की जिस तरह से गिराई, मुझसे ज्यादा आप सब लोग गली बाती जानते हैं पिछले दरवाजे से, और आज जो व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो रही है, चाहे कोई भी संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, यहां तक कि मैं कहूं कि निर्वाचन आयोग हो, कोर्टों को मैं ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसमें से भी बू आती है। तो जो ये व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई है उसमें सबसे ज्यादा गरीब तबका, सबसे ज्यादा शोषित तबका सफर करता है। बड़ा आदमी कहीं ना कहीं से किसी न किसी दरवाजे से अपने काम निकाल लेता है, लेकिन सफर होता है वो गरीब, वो दलित, वो शोषित पीड़ित, वो आदिवासी। आदरणीय राहुल जी ने जो यात्रा इस उद्देश्य के लिए निकाली है,
देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, विधानसभाओं की पंचायत, प्रदेशों की पंचायत, विधानसभा में हम सब विधायक और एमपी चुन के जाते हैं। बड़ा भाग से निर्मल दुबे की रिपोर्ट।